Yeah, today what I have today, I have a very prominent author, philosopher Soren Kierkegaard. कल अभी मैंने जो कवर कराया था दैट वॉज आपका यस्टरडे आई हैड गॉन विद एब्सर्डिज्म एब्सर्डिटी ऑल दीज थिंग्स. देन व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोरेन किर्कगार्ड, सोरेन किर्कगार्ड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको लेकर के हम कवर करेंगे. नंबर वन पॉइंट की सोरेन किर्कगार्ड ही वॉज अ डेनिश थियोलॉजियन फिलोसफर पोएट सोशल क्रिटिक एंड रिलीजियस ऑथर. सोरेन किर्कगार्ड वॉज बॉर्न ऑन 5 May 1813. सोरेन किर्कगार्ड जो है 5 May 1813 को उनका जन्म हुआ है. 11 November 1855 को उनकी डेथ हुई है. तो देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग, देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सोरेन किर्कगार्ड वॉज बॉर्न ऑन 5 May 1813, डाइड ऑन 11 November 1855. सोरेन किर्कगार्ड वॉज अ डेनिश थियोलॉजियन फिलोसोफर पोएट सोशल क्रिटिक एंड रिलीजियस ऑथर हु इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर. एक पॉइंट जो सोरेन किर्कगार्ड को लेकर के है कि ही वॉज अ डेनिश थियोलॉजियन पोएट फिलोसोफर एंड सोरेन किर्कगार्ड वॉज अ पोएट ऑल्सो. बट द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर. द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर. डेनिश थियोलॉजियन फिलोसफर थे. 5 May 1813 को जन्म हुआ. 11 November 1855 को उनकी डेथ हुई है. बट द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर. वॉट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म? In next lecture, I will just go with you. I will explain existentialism, nihilism, all these things. Next point which you have to remember, जो philosophical work इनका है सोरेन किर्कगार्ड का, much of his philosophical work, जो भी philosophical work सोरेन किर्कगार्ड का है, deals with the issue of how one lives as a single individual, giving priority to concrete human reality. वो इसको ज्यादातर डील करता है कि हम एज इंडिविजुअल कैसे रहते हैं और कैसे हम कंक्रीट ह्यूमन रियलिटी को महत्व देते हैं ओवर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो विचार है वो क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट है. आवर थिंकिंग इज अब्स्ट्रैक्ट. लेकिन हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उस पर हम कंक्रीट ह्यूमन रियलिटी को महत्व देते हैं. तो देयर आर द टू थिंग्स, वन इज थिंकिंग एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट रियालिटी. तो एब्स्ट्रैक्ट रियालिटी जो है क्या है, वी गिव प्रायोरिटी टू कंक्रीट ह्यूमन रियालिटी. वी गिव प्रायोरिटी टू कंक्रीट ह्यूमन रियालिटी ओवर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. जब तक कोई चीज एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं होगा और वो चीजें उसका एक रूप नहीं बनेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते. तो उन्होंने बताया कि देयर आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग. वन इज व्हाट, वन इज abstract thinking and second is what, second is concrete human reality. Or as an individual, when we live in a particular society, when we pass our life, what we do, we give value to what, we give value to ultimately concrete human reality over abstract thinking. And highlighting the importance of personal choice and commitment. और हम जब individual life को जीते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें जो महत्व देते हैं किसको देते हैं, पर्सनल चॉइस एंड कमिटमेंट को इंपॉर्टेंट देते हैं. पर्सनल चॉइस एंड कमिटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल चॉइस एंड कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी गो विथ पर्सनल चॉइस, व्हेन वी गो विथ कमिटमेंट एंड दीज थिंग्स वी कम टू नो, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना. नेक्स्ट पॉइंट है कि सोरेन किर्कगार्ड डिड एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इन 1841. एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो सोरेन किर्कगार्ड है उन्होंने एमए किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से 1841 में. नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने जिस थीसिस पर काम किया, उन्होंने जो थीसिस लिखा उसका क्या नाम था, कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी
विद कंटिन्यूअल रेफरेंस टू सॉक्रेटिस, और ये थीसिस उन्होंने जो लिखा था 1841 में लिखा था। ही रोट थीसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी विद कंटिन्यूअल रेफरेंस टू सॉक्रेटिस, विद कंटिन्यूअल रेफरेंस टू सॉक्रेटिस। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, क्या क्या पॉइंट बात किए कि दिस टाइम आई हैव बीन कवरिंग सोरेन किर्कगार्ड ऑन ऑन 5 May 1813, डाइड ऑन 11 November 1855। ही वॉज अ डेनिश थियोलॉजियन, फिलोसफर, पोएट, सोशल क्रिटिक एंड रिलीजियस ऑथर, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि ही इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर। What will I tell you in the next class? I will tell you ki who, what is existentialism? Astitvavad kya hota hai? Phir maine aapse discuss kiya ki much of his philosophical work, jo unka zyada tar philosophical work hai, wo ek point ko lekar ke baat karta hai. Wo kaun ka usa point hai? Priority to concrete human reality over abstract thinking par baat karta hai. दूसरा चीज क्या हम उस पर बात करते हैं कि एज एन इंडिविजुअल जब हम अपना लाइफ व्यतीत करते हैं तो पर्सनल चॉइस एंड कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उन्होंने क्या किया था, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से एमए किया। उन्होंने जो थीसिस लिखा उसका टाइटल है द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी विद कंटिन्यूअल रेफरेंस टू सॉक्रेटिस 1841 में। ये जो पूरा लिस्ट है, नेक्स्ट जो एरो मार्क है, इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट हिज वर्क। उनका वर्क क्या क्या है, टू अप बिल्डिंग डिस्कोर्सेस 1843 में आया है, फियर एंड ट्रेम्बलिंग 1843 में आया है। दिस इज पहला आपका टू अप बिल्डिंग फोर्सेस, दूसरा आपका फियर एंड ट्रेम्बलिंग 1843 में, रिपीटिशन 1843 में, फिलोसफिकल फ्रैगमेंट्स 1844 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी 1844 में, वर्क्स ऑफ लव 1847 में, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई वर्क एज एन आथर, द सिकनेस अनटू डेथ 1849 में, एंड प्रैक्टिस इन क्रिश्चियनिटी 1850 में आर हिज वेल नोन वर्क। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, उनके जो वर्क है उसका नाम क्या है, टू अ बिल्डिंग डिस्कोर्सेस 1843 में, फियर एंड ट्रेम्बलिंग 1843 में, रिपीटिशन 1843 में, फिलोसफिकल फ्रैगमेंट 1844 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी 1844 में, वर्क ऑफ लव 1847 में, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई वर्क एज एन आथर, ये भी 1847 में आया है, द सिकनेस अनटू डेथ 1849 में, एंड प्रैक्टिस इन क्रिश्चियनिटी 1850 में। तो पहली शीट पर आपने वो कब पैदा हुए, कब मरे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, एमए उन्होंने कब किया, उनका अपना थीसिस किस पर था, उनके अपने इम्पोर्टेंट वर्क क्या थे, और उनका बेसिक फिलॉसफी क्या थी कि कंक्रीट ह्यूमन रियलिटी ओवर, प्रायोरिटी टू कंक्रीट ह्यूमन रियलिटी ओवर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो दूसरा शीट है, उस दूसरे शीट पर बताया गया कि सोरेन किर्कगार्ड had a profound influence on psychology. सोरेन किर्कगार्ड का जो काम है उसका देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा उनके ऊपर असर था साइकोलॉजी का, और ये कहा जाता है he is widely regarded as the founder of Christian psychology and therapy. जो क्रिश्चियन साइकोलॉजी है उसके जो है फाउंडर वो स्वीकार किए जाते हैं। He is widely regarded as the founder of Christian psychology and therapy. तो एक चीज, अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन साइकोलॉजी एंड थेरेपी, देन हु इज दैट, सोरेन किर्कगार्ड। सोरेन किर्कगार्ड इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन साइकोलॉजी एंड थेरेपी। नेक्स्ट है कि किर्कगार्ड सोशियोलॉजिकल वर्क, किर्कगार्ड ने दो सोशियोलॉजिकल वर्क लिखा, एक का नाम है टू एजेस कोलन द एज ऑफ रिवोल्यूशन, और दूसरा है द प्रेजेंट एज क्रिटिक्स मॉडर्निटी। दूसरा क्या, द प्रेजेंट एज क्रिटिक्स मॉडर्निटी। तो ये भी जो दोनों उनके वर्क को ध्यान में रखना है, क्या क्या दो वर्क है, सोरेन किर्कगार्ड्स सोशियोलॉजिकल वर्क दो है, कौन कौन से है, टू एजेस कोलन द एज ऑफ रिवोल्यूशन
एंड द प्रेजेंट एज क्रिटिक्स मॉडर्निटी, दीज आर द टू सोशियोलॉजिकल वर्क। नेक्स्ट उनका एक पॉइंट है कि अर्नेस्ट बेकर, अर्नेस्ट बेकर एक पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर रहे हैं, अर्नेस्ट बेकर जिन्होंने 1974 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज जीता अपनी किताब द डेनियल ऑफ डेथ के लिए। किसके लिए? द डेनियल ऑफ डेथ के लिए। ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर जो असर था, उनकी राइटिंग पर जो असर था, सोरेन किर्केगार्ड का था, फ्रायड का था और ओटो रैंक का था। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पुलित्जर प्राइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर इज एन ऑथर अर्नेस्ट बेकर, अर्नेस्ट बेकर जो कि 1974 में पुलित्जर प्राइज जीतते हैं, उनका अपना एक किताब है जिसका नाम है द डेनियल ऑफ डेथ। और ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को लिखने में या इसको लिखने में जो उनको जिन जिससे वो मुतासिर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, उसमें सोरेन किर्केगार्ड है, फ्रायड है और ओटो रैंक है। एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किर्केगार्ड इज कंसीडर्ड बाय सम मॉडर्न थियोलॉजियंस टू बी फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। कुछ मॉडर्न थियोलॉजियन हैं जो ये कहते हैं कि उनको जो है फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जा सकता है। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियरी है दुनिया में, उसको लाने वाले कौन रहे? सोरेन किर्केगार्ड रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं जो मार्टिन हेडगर को और या जीन पाल सात्रे को मानते हैं। तो मार्टिन हेडगर, जीन पाल सात्रे और आपके सोरेन किर्केगार्ड, ये सब किससे जुड़े रहे हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े रहे हैं, या वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी या एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियरी से जुड़े हुए हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। जब भी एग्जिस्टेंशियलिज्म आएगा तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में आपको ये नाम ध्यान में रखना चाहिए। कौन से नाम? सोरेन किर्केगार्ड, जिन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? मार्टिन हेडेगर। और तीसरा नाम क्या है? जीन पाल सात्रे। जीन पाल सात्रे, दीज नेम्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि मच ऑफ हिज फिलोसफिकल वर्क डील्स विद द इश्यूज हाउ वन लिव्स एज अ सिंगल इंडिविजुअल, गिविंग प्रायोरिटी टू कंक्रीट ह्यूमन रियलिटी ओवर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल चॉइस एंड कमिटमेंट। ये पॉइंट रिवाइज हो चुका है, रिवाइज किया गया है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उनका जो भी वर्क है, उनके वर्क का क्रक्स केवल दो चीजें हैं। एक तो आदमी का जो जब वो इंडिविजुअली जब अपना जीवन जीता है तो वो क्या करता है, तो उसके सामने दो चीजें आती है, आदमी की सोच और जो उसको एक रियल लाइफ जीना है। रियल लाइफ, जैसे अगर हमें आपको रियल लाइफ जीना है तो वो क्या है? वो ये कि हमें इस दुनिया में रहना है, दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, दुनिया के जो ऑब्जेक्ट है, हमें उनके साथ सर्वाइव करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एजुकेशन प्राप्त करना, हायर एजुकेशन, तो हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो यह क्या है? यह कंक्रीट रियलिटी है। और अगर हम केवल सोचते ही रहते हैं कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो थिंकिंग के बीच और रियलिटी के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, थिंकिंग और रियलिटी के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो जब तक वो हम रियलिटी में, जिसे हम कंक्रीट रियलिटी कह रहे हैं, जब तक हम उसे नहीं पा लेते हैं, तब तक वो थिंकिंग के रूप में रहेगा। और अगर हमें उसको करना तो हमें जमीन पर उतारना। जैसे एक विचार है, विचार हमारा क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो अमूर्त है विचार। लेकिन अगर उस विचार को हम एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक धरातल पर उतारें तो वह मूर्त रूप ले लेगा, वह साकार रूप ले लेगा। तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज रियलिटी हो जाएगी। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इनका जो क्रक्स है पूरी फिलॉसफी का, कि आदमी जो है कंक्रीट रियलिटी और कंक्रीट रियलिटी के साथ साथ किस में वो रहता है, कंक्रीट रियलिटी और कंक्रीट रियलिटी के साथ एक थिंकिंग जो उसकी है, उसमें वो हमेशा फंसा रहता है। आई थिंक यू गॉट इट। तो एक चीज उन्होंने जो दूसरा शीट है, वो दूसरी शीट पर क्या क्या बातें बताई गई हैं कि सोरेन किर्केगार्ड को क्रेडिट दिया जाता है कि
ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन साइकोलॉजी एंड थेरेपी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन साइकोलॉजी एंड थेरेपी, द क्रेडिट गोज टू सोरेन किर्केगार्ड। सोरेन किर्केगार्ड इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। सोरेन किर्केगार्ड को लोग फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के रूप में भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग भी हैं जो मार्टिन हेडेगर को या जीन पॉल सार्त्रे को भी स्वीकार करते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का थियरी अगर कोई लाया तो ये दोनों लोग लाए हैं। तो यह क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर कौन कौन से हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर में तीन नाम आपको ध्यान में रखना है, सोरेन किर्केगार्ड, मार्टिन हेडेगर और जीन पॉल सार्त्रे। मार्टिन हेडेगर, जीन पॉल सार्त्रे पर हम बाद में भी बात करेंगे जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ रहा है कि एक इन्होंने, चूंकि सोशियोलॉजी से भी इनका जुड़ाव था, इनका दो किताब बड़ा फेमस रहा है सोशियोलॉजिकल वर्क। एक किताब का नाम है टू एजेस, जो दूसरा पॉइंट है, टू एजेस कोलन द एज ऑफ रिवोल्यूशन, टू एजेस कोलन द एज ऑफ रिवोल्यूशन एंड द प्रेजेंट एज क्रिटिक्स मॉडर्निटी। These are the two sociological work. ये दोनों sociological work है और किसके work है? These are the two sociological work of this man. So remember that Soren Kierkegaard as a writer wrote two sociological books. Two Ages : The Age of Revolution पहली किताब and the Present Critics Modernity. नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड है एरो मार्क में, इसमें ही बताया गया कि एक आथर है जिनका नाम है अर्नेस्ट बेकर। 1974 में उनको पुलित्जर प्राइज मिला था उनकी किताब द डेनियल ऑफ डेथ के लिए, और उस किताब के लिखने में जो उन्होंने स्वीकार किया कि वो काफी ज्यादा प्रभावित थे सोरेन किर्केगार्ड से, फ्रायड से और ऑटो रैंक से। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो एरो मार्क है उसमें ही बताया गया कि फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है अल्दीस सिंह, और फिर नेक्स्ट में बताया गया कंक्रीट रियलिटी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या खेल होता है। लास्ट पॉइंट इस शीट का है कि सोरेन किर्केगार्ड ने अपने जर्नल में लिखा एब्सर्डिज्म के बारे में कि व्हाट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड है क्या। यहाँ से देखिएगा इनका कोटेशन है, अगर कभी पूछा जाता है ये किसका कोटेशन है तो आपको पता होना चाहिए, ये सोरेन किर्केगार्ड का कोटेशन है। What is the abjured? Abjured क्या है? It is as may quite easily be seen. यह ऐसा है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि the word abjured refers what? Unsound. The word abjured refers irrational, illogical, unexplainable, the thing that is vague, the thing that is not clear, the thing means an attempt which does not bring any type of result, futile attempt, कोई व्यर्थ का प्रयास फील्ड में। तो इन्होंने बताया कि that I quite easily be seen, that I, what is abjured, it is as may quite easily be seen that I मतलब कोई भी person, रेशनल बींग, आदमी को क्या कहा जाता है कि आदमी रेशनल बींग है, तर्कशील प्राणी है। मस्ट एक्ट इन अ केस वेयर माई रीजन, माई पार्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जहां मेरा रीजन, जहां मेरे पार का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब कि मैं अपनी अपनी तर्क को, अपनी तर्कशीलता को और अपनी शक्ति को ध्यान में रख करके अगर मैं कोई काम करूं तो वो काम करने पर अगर मुझे कोई रिजल्ट प्राप्त होता है तब तो ये समझिए कि वह काम जो है सही दिशा में जा रहा है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपको छोटा बच्चा हो और उसको ये कहा जाए बार बार, अगर ये कहा जाए कि अरे क्या है जो इसकी किस्मत में होगा वो मिल करके रहेगा। अक्सर हमारे यहाँ ये मतलब मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी गॉड इज इम्पोर्टेंट,
लेकिन आप कोई प्रयास न करिए और केवल आप इतना कहिए कि जो किस्मत में होगा वो मिल करके रहेगा। तो जो किस्मत में होगा वो मिल करके रहेगा, यह आपका कंक्रीट है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यह विचार है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आप केवल भाग्य के भरोसे जो है रह गए कि भाग्य में अगर लिखा होगा तो मिल करके रहेगा, आप उसके लिए करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये हो सकता है यहाँ पे, अब आपका जो लॉजिक है, बहुत सारे लोग या हम ही से अगर आप पूछेंगे तो आई विल से कि यह एब्जर्ड है, बगैर प्रयास के आदमी को कुछ मिलता नहीं है, आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे रहिए और ये सोचिए कि नहीं, बगैर प्रयास किए हुए जो किस्मत में होगा मिल करके रहेगा, तो ये चीजें मेरी नजर में वो क्या है, एब्जर्ड है। क्यों एब्जर्ड है? इसमें कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, ये मीनिंगलेस होगा, आप बैठे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक स्टोरी सुना है, द आंट एंड द ग्रास ऊपर, की जो चींटी है वो परिश्रम करती है लगातार कि बारिश या ठंड से पहले अपनी जो है अन्न भंडार को भर ले, और उस समय जो है क्या करता है, वो जो टिड्डा रहता है वो खूब डांस करता है, आराम करता है। जब रेनी डेज आता है तो रेनी डेज में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो चींटी के पास जाता है और कहता है कि तुम जो है मुझे अब कुछ दे दो खाने के लिए। तो चींटी पूछती है तुम उस समय कर क्या रहे थे, तो कह रहा था कि मैं आराम कर रहा था या नाच रहा था जो भी। तो चींटी कहती जाओ तुम अब गाओ। व्हाट आई वांट टू से कि कंक्रीट रियलिटी एक बड़ा चीज है। कंक्रीट रियलिटी के रूप में जब तक कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, चाहे वह आपके कर्मों का फल हो, चाहे वह आपका अपना प्रयास हो किसी चीज को करने का, या चाहे आपके अपने विचार हो, जब तक वो धरातल पर नहीं आएगा तब तक वो समझिए कि एब्जर्ड ही है, वह एक थॉट के रूप में रहा है। लेकिन हमेशा कंक्रीट रियलिटी को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे ये चीज कहा जाता है, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो उगता हुआ सूरज का मतलब कि यहाँ पे ये है कि वो सूरज नजर आता है कि हाँ ये है, आज इसके दिन है। व्हाट आई वांट टू से, वही उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास शक्ति का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, रीजन का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, हम एक काम करें तो उसका वो नजर आना चाहिए, वरना अगर वो चीजें नजर नहीं आती है तो वह क्या हो जाएगी, वह बेकार हो जाएगी। जैसे जो है मैंने अभी बताया था, द मिथ ऑफ सिसिफस में जीएस क्या करता है, जीएस जो है सिसिफस को कहता है कि तुम एक बोल्डर ले लो और बोल्डर लेकर के पहाड़ी पर चढ़ो। बार बार वो जो है सिसिफस बोल्डर को लेके पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, एक्शन तो नजर आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन जो है क्या हो रहा है, वो एक्शन में ना तो रीजन नजर आ रहा है और ना ही पार का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, उसमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और वो ये हमें पता है कि हम इस बोल्डर को लेकर के पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, फिर भी अगर हम वही बार बार काम करते रहे जो हमें पता है, इसका मतलब कि हमारा वहां पे रीजन का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, पार का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर हमारे अंदर तर्कशील में होता तो मैं कहता कि ये काम नहीं हो सकता, इसको हमें दूसरे ढंग से करना चाहिए। तो ये बात जो रखी हुई है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर ने, ये बात रखी सोरेन किरकेगार्ड ने, और उन्होंने कहा कि जब जो हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व केवल विचारों में नहीं है, हमारा अस्तित्व जमीन पर नजर आना चाहिए। अगर हम जीवित हैं तो जीवित होने का साक्ष्य हमें नजर आना चाहिए, दैट इज द पॉइंट जो है। फिर उन्होंने इस चीज को कहा, क्या कहा, यू कैन जस्ट एज वेल डू द वन थिंग एज द अदर, दैट इज टू से वेयर माई रीजन एंड रिफ्लेक्शन से, हमारा रीजन का और हमारे रीजन और पार का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, हम इस काम को उस काम को तो कर सकते हैं। You cannot act and yet here is where I have to act. लेकिन हम कहीं कहीं पर क्या करते, कुछ काम को नहीं कर सकते, उस काम को वहां पे नहीं किया जा सकता है जहां पे हमारे रीजन का रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे नहीं किया जा सकता है। The absurd are to act. लेकिन कभी कभार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी क्या करता है, बाई वर्चू करता है। जैसे एक एग्जाम्पल वो अभी देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बाई वर्चू वो करने की कोशिश करता है, और बाई वर्चू करके जब वो करता है तो उसमें उसको और मदद मिलती है, ईश्वरी मदद के माध्यम से उसमें बताते हैं, इज टू एक्ट अपॉन फेथ। और बाई वर्चू जो हम लोग काम करते हैं वह फेथ पर करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे ये बार बार ये कहा जाएगा कि अगर आपको अगर आप गरीबों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, अगर आप सच बोलेंगे
तो ईश्वर आपके साथ होगा। और हमें किसकी कहानी सुनाई जाए, हरिश्चंद की कहानी, राजा हरिश्चंद की कहानी सुनाई जाए, राजा हरिश्चंद की तपस्या, राजा हरिश्चंद का त्याग, उनका बलिदान, ऑल दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूं, पर डे मैं जो है किसी गरीब आदमी की मदद करूं, लेकिन मैं मदद करूं, मदद करने के बाद मैं क्या करूं, मैं परेशान रहूं, मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन ना आए, मेरा विश्वास ये रहे कि फला ज्ञानी ने मुझसे कहा, फला ऋषि मुनि ने मुझसे कहा कि इफ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। मैं उनके इस कहे पर क्या करता हूँ, इस रास्ते पर चले चलता हूँ, और मैं वर्चू की उम्मीद में हूँ। वर्चू की क्या उम्मीद में हूँ, कि ईश्वर हमारी मदद करेगा अगर मैं गरीब की मदद करता हूँ। एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, चार दिन किया, लेकिन पता चली मैं तो मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ वैसी ही प्रॉब्लमेटिक है, मेरे जीवन में कोई चीजें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा जो विश्वास है, ये विश्वास क्या था, यह विश्वास जो है अब्स्ट्रैक्ट था कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, ये एक विचार है। और उस गैवी विचार को, जिस विचार को जो एक विचार के रूप में है, और उस मदद को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वह कंक्रीट रियलिटी नहीं है, उस पर मैंने यकीन किया, मैंने किया, एक हफ्ते किया, फिर भी मुझे मदद नहीं मिली, तो हो सकता है मेरा विश्वास है डगमगाए। क्यों डगमगाए, क्योंकि वहां पे रीजन अप्लाई नहीं हो पाता है, वहां पे पार अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे ही मेरा विश्वास डगमगाने लगा, फिर किसी ऋषि मुनि ने कहा कि ईश्वर तुम्हारी मदद जरूरी नहीं है कि इसी इसी जीवन में करे, इसी जीवन में करे, वह तुम्हारी मदद मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां पे कर सकता है, तुम्हें स्वर्ग में अच्छी जगह तुम्हें मिलेगी, ऑल दीज थिंग। तो हम अब उम्मीद क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक नहीं लगा रहे, हम केवल इस उम्मीद में है कि एक दिन हम जिंदगी हमारी फना होगी, हम मरेंगे, और मरने के बाद की जो जिंदगी होगी उसमें ईश्वर हमारी मदद करेगा, हमें उसका रिजल्ट वहां पे मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्शन हमारा चल रहा, एक्शन हमारा क्या है, मदद करना, लेकिन उसका रिजल्ट हमें इस दुनिया में नहीं मिला, फिर हम उम्मीद क्या करने लगे, एक दूसरी दुनिया में उम्मीद करने लगे। लेकिन यह जो हमारा उम्मीद रहा है, यह हमारा उम्मीद कहीं से भी जो है प्रैक्टिकल, मतलब लॉजिकल नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं लगाया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि कभी कभार हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वर्च्यू के आधार पर करते हैं, गुण के आधार पर, कि इसको करने से हमें ये चीज की मिलेगा, इस चीज की प्राप्ति होगी, वहां पे वो चीजें फेथ पर चलता। आई मस्ट एक्ट बट रिफ्लेक्शन हैज क्लोज्ड द रोड, सो आई टेक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एंड से दिस इज व्हाट आई डू, I cannot do otherwise because I am brought to a stand still by my part of reflection. उन्होंने कहा कि कभी कभार ऐसा होता, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो हम किसी दैवी शक्ति का या किसी उम्मीद के तहत उस चीज को करते हैं। ये बात तो उन्होंने बताया फेथ को लेकर के, वर्च्यू को लेकर के, रीजन को लेकर के, पार को लेकर के, उसके रिफ्लेक्शन को लेकर के। सोरेन किर्केगार्ड ने अपनी किताब फियर एंड ट्रेम्बलिंग में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, फियर एंड ट्रेम्बलिंग में, जो उनका 1843 में आता है, और ये किताब जो है सूडोनिम से पब्लिश हुआ था। सूडोनिम का मतलब कि उन्होंने अपना नाम डायरेक्ट नहीं यूज किया था, बल्कि क्या रखा था, जोहान्स डी साइलेंसियो, उन्होंने अपना नाम रखा था जोहान्स डी साइलेंसियो, उन्होंने अपना नाम रखा था। जब ये किताब आती है सोरेन किर्केगार्ड की फियर एंड ट्रेम्बलिंग, तो उसमें ये बताते हैं कि अब्राहम नाम का, इन द स्टोरी ऑफ अब्राहम, अब्राहम का जिक्र जो है जो बाइबिल है, बाइबिल के जो बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस में किया गया है अब्राहम का जिक्र। उसमें किया गया है कि ईश्वर जो है अब्राहम से हिसाब लेता है, या हिसाब क्या लेता है, ईश्वर ये देखना चाहता है कि अब्राहम कितने ज्यादा मेरे प्रति डिवोटी है, कितने ज्यादा वो मेरे प्रति लॉयल हैं, कितने ज्यादा वो मेरे आदेशों का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। ये बात कौन कहता है, ये बात ईश्वर जानना चाहते हैं किससे, अब्राहम से। इसका जिक्र कहाँ पे किया गया, बुक ऑफ जेनेसिस में किया गया है। अब्राहम इज टोल्ड बाय गॉड, गॉड जो ये ख्वाब में उनको तसव्वुर आता है, ख्वाब में ये चीज वो जो है देखते हैं कि ईश्वर उनसे बात कर रहा है ख्वाब में, ड्रीम में, और ईश्वर उनसे क्या कहता है कि ईश्वर उनसे जो है उनके बेटे आइजाक की कुर्बानी चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब्राहम फादर है, उनके एक बेटा है आइजाक। अब्राहम रात में ख्वाब देखते हैं कि ईश्वर जो है कह रहा है कि मुझे आपके बेटे की कुर्बानी चाहिए। अच्छा ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं कि अब्राहम तैयार हो जाते हैं अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए। वो जो है अपने बेटे से को ले जाते नहला धुला करके, जो उसमें बताया गया इसका जिक्र और धार्मिक किताबों में भी है। जब नहला धुला के ले जाते हैं तो बहुत दूर ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और ये मेरी परीक्षा है, ईश्वर मेरी कुर्बानी लेना चाहता है। तो ये आता है कि उनका बेटा तैयार हो जाता है कि ठीक है, अगर ईश्वर परीक्षा लेना चाहता है तो मैं मरने को तैयार हूँ, मरने मतलब मैं शहीद होने को तैयार हूँ, आप जो है ईश्वर के दरबार में कहीं से भी जो है आपका जो परीक्षा की ये घड़ी है उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो। और ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है कि एक फादर अपने बेटी की कुर्बानी दे। तो आइजाक की कुर्बानी जब अब्राहम देते हैं तो यहाँ तक क्या करता, ये इसमें जो है अब्राहम नहीं करना चाहता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब्राहम इस काम को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई वर्च्यू जो है, कोई दैवी शक्ति उनसे यह इम्तहान लेती है और कराना चाहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, एब्सर्डिज्म जो कहता है, क्या कहता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी कहीं पे मैं बंधा हुआ हूँ जहां पे तर्क नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे तर्क नहीं चल पाएगा। क्यों तर्क नहीं चल पाएगा? हम ईश्वर से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप हमारे बेटे की ही कुर्बानी क्यों लेना चाहते हैं, हम ही से ही क्यों कुर्बानी लेना चाहते हैं, हमारी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, धरती पर तो करोड़ों आदमी है, उनसे आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो ईश्वर के प्रति जिसकी सच्ची भक्ति होगी, जो उसका लॉयल होगा, वो हमेशा अपने आप को ईश्वर का गुलाम मानता है, उसका सच्चा फॉलोअर मानता है, तो वह ईश्वर से तर्क नहीं करता। तो ईश्वर की दुनिया में बहुत जगहों पे तर्क नहीं चलता, वहां पे एक फेथ होता है और उस फेथ में चीजें आपको एब्जर्ड नजर आती, यहाँ पे चीजें एब्जर्ड नजर आएंगी। क्यों एब्जर्ड नजर आएंगी? यहाँ पे आपका आपका फेथ नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और अब्राहम का, आइजाक का, कि अब्राहम अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते हैं, कुर्बानी ना देना यह उनका तर्क काम कर रहा है कि मैं अपने बेटों को क्यों मार दूं। लेकिन वो यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम द ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड और हम सारे लोग उसी ईश्वर की संतान है, उसी ईश्वर के बच्चे हैं। तो अगर वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है तो हमें वो करना, ये विचार आता है। तो यहाँ पे तर्क नहीं चल पा रहा है, फिर भी वो करते हैं। तो जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं, नाइफ उसकी गर्दन पे चलाते हैं, तभी एक ईश्वर क्या करते हैं, एक एंजिल भेजते हैं और वो जो नाइफ होती है वो नाइफ नहीं चलती है। अब यहाँ पे एक एक्शन आ रहा है, किसका एक्शन आ रहा है? एंजिल का, पेथ का और ईश्वर की दैवी शक्ति का, कि दैवी शक्ति जो है केवल इम्तहान लेना चाहती थी, ना कि उनकी कुर्बानी, उनकी बेटी की कुर्बानी। ईश्वर को किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, ईश्वर केवल इम्तहान लेता है कि डू यू रियली डिवोटेड टू मी आर नॉट। उस नाइफ को पलट देता है, कुर्बानी नहीं हो पाती है, उसकी जगह एक सिंबॉलिक रूप में कोई दूसरा चीज आ जाता है। तो यहाँ पे सोरेन किर्कगार कहते हैं कि जो धार्मिक किताबें हैं उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिज्म ऐसा नहीं कि 21वीं शताब्दी में आया, 19वीं शताब्दी में आया, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आया, नो नॉट एट ऑल। हमारे बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें कहीं पर मजबूरी में करना पड़ता है, वहां पे तर्क नहीं चल पाता। अगर हम वहां तर्क चलाएं तो हम उस काम को करें ही ना, और अगर हम तर्क नहीं वहां पे लगाते हैं, रीजन नहीं लगाते हैं, तो वह हमारा काम किस कैटेगरी में आएगा? एब्जर्ड की कैटेगरी में आएगा, जिसका एक जिक्र उन्होंने अब्राहम और आइजाक का किया होता है। किर्कगार्ड बिलीव्स दैट थ्रू वर्च्यू ऑफ द एब्जर्ड अब्राहम डिफाइंग ऑल रीजन। और इस माध्यम से जो ये किर्कगार्ड ने यहाँ पे अपनी बात रखी, अब्राहम ने क्या किया, जितने भी तर्क हैं उन सारे तर्कों को उन्होंने चुनौती दे दी। लेकिन ये जो तर्क है, ये तर्क का दायरा कहाँ पर है? ये तर्क का दायरा आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब दैवी शक्ति या हमारा इम्तहान लेती है वहां पर हो सकता है। लेकिन अगर और जगहों पे कहा गया कि आदमी को तर्कशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 वाला अभी तैयार किया गया, यह उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी ये बहुत बड़ी बात कही गई, हमें तर्कशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
ये सारी चीजें तो जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन जहां पे धर्म की बात आ जाती है कि ईश्वर है और उसी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो कभी कभार वहां पे अगर आप ये तर्क करने लगेंगे कि एक सूरज तो आदमी बना नहीं पाता, तो वो ईश्वर कैसा है जिसे ब्रह्मांड में अरबों खरबों सूरज बनाए होंगे, चांद बताया बनाया, तारे बनाए, अगर हम एक मकान बनाते हैं तो उसपे पिलर लगाते हैं, इसने पूरे जो है आसमान का बनाया तो एक भी पिलर नहीं है, फिर भी सब कुछ टिका हुआ है। तो जब आप ये तर्क की बातें करने लगते हैं तो यहाँ पर ईश्वर की शक्ति को समझने के लिए तो तर्क जरूरी है, लेकिन जब हम ये बातें कहने लगते हैं कि ईश्वर का रूप क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है, तब वहां पर हम जो है रीजन से ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर का रूप, ईश्वर का रंग, ईश्वर का कलर, ईश्वर की हाइट, वहां पे आपको एब्जर्डिस्ट होना पड़ेगा, वहां तर्क नहीं चलेगा। व्हाट आई वांट टू से, वहां पे ईश्वर के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उसी के माध्यम से हम ईश्वर की शक्ति को, उसकी अपनी चीजों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप अप्लाई इसे करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको, वी ऑल हैव रेड टिंटन अबे। टिंटन अबे में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि राइजिंग सन, क्लाइंबिंग मून, ब्लोइंग एयर, चर्पिंग बर्ड, फ्लोइंग वाटर, ये सब चीजें उन्होंने बताया, बहता पानी, उगता सूरज, चढ़ता चांद, चिड़ियों की चहचहाहट और हवाओं का एक आवाज, उसमें जो म्यूजिक है, वो कहते हैं कि इसके पीछे आई फील सम अनसीन पार, मैं महसूस करता हूं एक अनसीन पार को इसके पीछे इसमें। और वही उनका क्या होता है, पैंथिज्म, ऑब्जेक्ट इज गॉड, गॉड इज ऑब्जेक्ट, ईश्वर कण कण में विराजमान है। जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, तब वहां पे एब्जर्ड की आप पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आप कहिए कि कण कण में विराजमान है तो मैं क्या करूं, कोई मैं ऑब्जेक्ट ले लूं, उसको तोड़ फोड़ करूं, कहूं इसमें ईश्वर निकल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह कि जब मैं इस चीजों को अडॉप्ट करता हूं तब मैं साइंटिफिक अप्रोच ले रहा हूं। बट हमारा फेथ जो होता है, जो हमारा विश्वास होता है, कभी कभार जो कंक्रीट होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वह जो है एब्जर्ड नहीं होता, वो चीजें बहुत ज्यादा उसमें नहीं चीजें हो सकती है। तो सेरेन कर्केगार्ड ने काफी डिटेल में फिलोसफिकल वे में बताया एब्जर्डिटी क्या है, कहाँ कहाँ पे कभी कभार हमें ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, वो एब्जर्डिस्ट होता है। फिर उन्होंने अब्राहम का, आइजाक का एग्जाम्पल दिया और कहा अब्राहम ने अपने बच्चे की कुर्बानी जो दी उसमें उन्होंने तर्क नहीं लगाया, और इस तरह से इस एक्शन को एडॉप्ट करके उन्होंने तर्क के जितने दरवाजे थे सब उन्होंने बंद कर दिए, खास करके तर्क के। और कहां पर उन्होंने तर्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए, ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें किसी तरह का तर्क नहीं चल सकता है। इसीलिए हम सारे लोग कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जब आप ये बात करते हैं तो वहां पे तर्क नहीं चलता है, वहां पे तर्क नहीं, वहां आप एब्जर्डिस्ट वाला चीज हो जाते हैं। या दूसरा एग्जांपल कि जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूं मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई, फिर वो थोड़े समय के लिए मर्मरिंग करते हैं, जब वो मर्मरिंग करते हैं मतलब कंप्लेन करते हैं कि गॉड डॉथ नॉट नीड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइट, जो भी लाइन है मैं मिस कर रहा हूं, तो वहां पे क्या ईश्वर को ऐसे भी आदमी से काम की आवश्यकता है जिसकी आंख की रोशनी चली गई है, तब वो क्या वहां लगा रहे हैं, तब वो जो है एज एन इंडिविजुअल वो तर्क का यूज कर रहे हैं, क्या ईश्वर को अंधे आदमी से काम की आवश्यकता होती है। फिर तुरंत वो विश्वास की ओर लौटते हैं और कहते हैं कि गॉड डॉथ नॉट नीड इधर मैंस गिफ्ट आर हिज पार, जो भी है कि ईश्वर को ना ही आदमी के कार्यों की जरूरत है ना ही उसके उपहारों की जरूरत है, थाउजेंड्स ऑफ द एंजल्स आर रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, हजारों देवदूत हम लोगों की तरह ईश्वर के आदेशों का फॉलो करने के लिए लाइन में कतार में खड़े हैं।
उस पोयम में दो हिस्सा है। पहला जो पार्ट है वह जो है क्या है, लॉजिक पर चल रहा है, वह लॉजिकल है। मेरी आंख की रोशनी कैसे चली गई, क्या एक अंधे आदमी से भी ईश्वर काम की उम्मीद करता है, यहाँ पे तो मिल्टन लॉजिक लगा रहे, लेकिन तुरंत उन वो बैलेंस करते हैं और फिर फेथ में लौटते हैं। ईश्वर को ना तो आदमी के कार्यों की ना उपहारों की जरूरत है, सच्चा उपासक ईश्वर का वही है जो केवल उसके आदेशों का पालन करे। तो अब्राहम जो है सच्चे उपासक इसलिए है क्योंकि वह उस वह ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहे थे। ईश्वर का आदेश आया कि आपके आपको अपने बच्चे की कुर्बानी देना है, तो ईश्वर वांट्स टू एग्जामिन, ईश्वर वांट टू इवैल्यूएट, ईश्वर वांट टू जज अब्राहम एंड आइजाक को जो है। तो उन्होंने कहा सोरेन किर्केगार्ड ने कि इसके बाद तो तर्क के सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ये जो तर्क का दरवाजा बंद हुआ यह विश्वास में ईश्वर के आदेशों में हो सकता है। जीवन के बहुत समय ऐसे पड़ाव बहुत समय हिस्से हैं जहाँ पे धार्मिक किताबें खुद कहती हैं कि जीवन को जीने के लिए आपको तर्कशील होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, जो दुनियावी जिंदगी है। लेकिन अगर हम इस पर बहस करें कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग तो हम देखे नहीं है, मरने के बाद तो कोई दोबारा आया नहीं हमें बताने के लिए, बताया नहीं कि मरने के बाद उसकी जिंदगी कैसी है, तो यहाँ पे तर्क नहीं चल सकता है। यहाँ पे तो आपका जिसका जैसा भी विश्वास हो, बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, उनका ईश्वर में कोई विश्वास ही नहीं है, तो उस पर हम लोग बहस नहीं कर सकते, कहा भी जाता है ऐसा नहीं। तो आई थिंक कि आज हमने कवर किया ये पॉइंट। लास्ट पॉइंट है उनकी एक और किताब है सिकनेस अनटू डेथ, सोरेन किर्केगार्ड का सिकनेस अनटू डेथ, जिसमें किर्केगार्ड ने क्या किया, थीम ऑफ डिस्पेयर को उन्होंने इसमें बताया कि थीम ऑफ डिस्पेयर क्या है। तो इन दिस पे यू केम टू नो अबाउट उनका डिफिनीशन एब्सर्डिटी को, एब्सर्ड को लेकर के, फियर और ट्रेम्बलिंग में आइजाक और अब्राहम का एग्जांपल, फिर एक अपनी किताब सिकनेस अनटू डेथ में डिस्पेयर के थीम को। तो आई थिंक कि यू आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि सोरेन किर्केगार्ड क्या कहना चाहते हैं। कल हम लोग एल्बर्ट केमू को लेकर के बात करेंगे बहुत डिटेल वे में। तो थैंक्स रमा, प्रशून, जगमोहन, शुभम एंड प्रतिभा, जलील भाई, मनीषा, अलशिफा एंड बुशरफा ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल मीट, थैंक टू ऑल।